Namaskar. Can you hear me at the back? Yes, sir. Really at the other end? Yes, sir. Thank you. Namaskar, Jai Hind, Varanasi, Kashi Manthan. यहाँ हर दफे वापस आने में जो मजा मुझे आता है कहीं और नहीं आता। मगर शुरुआत में हर दफे एक चीज जरूर कहता हूँ, मैं वाराणसी को हर दफे समझता हूँ, ये नंबर दो शहर है मेरी जिंदगी में, नंबर एक नहीं, नंबर एक मेरा अपना इलाहाबाद है। मगर नंबर दो से भी बहुत ज्यादा प्यार आदमी करता है, तो आप समझ सकते हैं नंबर एक, दोनों नंबर एक पर भी बैठे रहते हैं। लाइट ऑफ कर सकते हैं। इतने जबरदस्त आपने अभी जो लेक्चर सुने, लेक्चर नहीं थे ये असल में, ये एक्सपीरियंसेस थे। स्वामी जी ने आपको जो स्वामी विवेकानंद का डिस्कोर्स पूरा सुनाया है, मुझे बड़ी खुशी है आपको बताने के लिए कि आई एम ए डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ द विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, और वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज मुझको मिलती हैं टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, शेयर नॉलेज, लर्न फ्रॉम अदर पीपल, आई नेवर गेट एनीवेयर एल्स। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू कम बैक एंड बी इन योर कंपनी सर एंड लिसन टू यू। हरिंदर जी ने जबरदस्त, कल रात को हम उनसे मिले तो when I meet a sportsman and when I meet a hockey player particularly, हालांकि मेरा passion cricket का बहुत ज़्यादा है, मगर hockey के साथ लगाव बहुत पुराना है। And I have been following him for many years. This year particularly, इस दफे जो World Cup के अंदर था, मैं इनको बहुत closely follow कर रहा था। And the methodologies that he had adopted to bring about a complete change in Indian hockey, that was something amazing. हरिवंश साहब, अभी आपसे बात करेंगे। What an amazing experience to see him last night. कि रात को देखते रहे टेलीविजन पे और सुबह हमारे सामने। हमारे सब गेस्ट इतने हैं यहाँ पर, they are all great achievers in their own right. And Kashi Manthan is a platform where one can come and exchange some great experiences. अभी आप देखेंगे कि मेरी जो मैं जो यहाँ बात करूँगा, अभी मैंने मयंक साहब से ये पूछा कि मैं जब आऊं तो लीडरशिप के उसमें मैं क्या बात करूं। मुझे लोग आमतौर पर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एनालिसिस के साथ ज्यादा एसोसिएट करते हैं, पाकिस्तान, कश्मीर, इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए बोलते हैं। लीडरशिप में क्या आप चाहेंगे? डू यू वॉन्ट मी टू स्पीक ऑन थियरी? डू यू वॉन्ट मी टू स्पीक ऑन लीडरशिप, लीडर ग्रुप सिचुएशन, इस तरह की चीजें, ट्राइंगल बना के आपको क्या समझाऊं मैं? उनका नहीं, काशी मंथन में आप आए तो सिर्फ अपनी कहानियां सुनाएं। तो मैं कहा ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे कोई थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आई विल कम बैक एंड ओनली शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू। सो दैट्स अ प्रॉमिस, टुडे ओनली एक्सपीरियंसेस एंड नथिंग एल्स। बट एज यू आर अवेयर, दिस इज अ सलूट फ्रॉम द इंडियन आर्मी टू काशी मंथन। एंड यू कैन सी, बहुत लोग कहते हैं दैट देयर इज नो प्लेस फॉर वुमेन इन द इंडियन आर्मी, यू सी अ वुमन सलूटिंग यू। ये लेक्चर नहीं है, दिस इज ओनली एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज और वैल्यूज ऑफ लाइफ विच विल कम आउट फ्रॉम माय द एक्सपीरियंसेस विच आई विल रिलेट टू यू। मगर हर शुरुआत मेरी जो है हर दफे पहले इस चीज से होती है, रिमेंबरेंस फॉर दोज हु हैव गिवन अप देयर लाइव्स फॉर अस। आपने मुझसे पहले भी सुना, यहां बहुत कम लफ्जों में आपको बताया गया, या हम सब यहां पर बैठे हैं इनकी वजह से। And therefore, we can never forget the sacrifice of the soldier. Why alone the soldier? All those who sacrifice for Bharat, for India, all those who have sacrificed their lives for India, whether they are policemen, whether they are firemen, whether they are sailors and airmen, anyone who has given up his life on the line of duty has contributed to the greatness of our country. Let us start by stating something which Harinder Sahib himself said. अब देखिए आप कैसे हमारे ideas जो है मिलते हैं, इसको अगर आप पढ़िए। For the Indian Army, when a mission is difficult, it is always achieved. अगर मुश्किल है तो achieve हो जाएगा, अगर impossible है,
तो थोड़ा वक्त और लगेगा, थोड़ा वक्त और। There is nothing impossible. As he said, I am possible. It is possible. And that is the image that is what we always have to live with. ये तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी। This is a small, it's a painting actually of Kashmir Valley. मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत दफे दिखाई है ये तस्वीर। जिन्होंने नहीं देखा मैं आपको दिखा दूं और आपको हर दफे मोटिवेट भी कर दूं कि जो नहीं गए हैं अमरनाथ, ये है अमरनाथ श्राइन, ये है लॉर्ड शिवा की जगह जिसके बारे में माइंग जी आपको बता रहे थे। 7 नहीं 8 दफे मैंने अमरनाथ यात्रा को लीड किया है, जाकर वहां पर माथा टेका है। वी हैव मेड श्योर, जब मैंने शुरुआत की थी 1998 में तो टोटल पिलग्रिमेज वॉज 98,000 और जो आखिरी वाली मैंने लीड की 2011 में उसकी टोटल स्ट्रेंथ वॉज 6,41,000। पिलग्रिम्स कुड गो सेफली देयर एंड रिटर्न। मगर दिस पिक्चर इज मेड पुट अप फॉर समथिंग एल्स फॉर यू। ये है उड़ी, पिक्चर आने वाली है कल परसों उड़ी, ठीक है। आई एम वन ऑफ दोस फॉर्चुनेट पीपल जिसने उड़ी का ब्रिगेड कमांड किया है 2.5 साल तक मैंने ब्रिगेड, और इसी के उस पार एक जगह है तंगधार, शमशाबारी के उस पार। ये शमशाबारी पहाड़ी है, इसके उस पार तंगधार है। उड़ी और तंगधार के बीच में एक और वैली है, उसका कहते हैं लीपा वैली, लीपा वैली। और बहुत लोग इनफैक्ट 10 दिन 15 दिन पहले एक बड़ा मेजर एक्शन हुआ था जिसमें आपने सुना होगा 2 पाकिस्तानी SSG के कमांडो जो थे जो मारे गए थे, जिनके शव वहां मिले थे, बहुत दिनों के बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स वहां मारे गए थे, ये लीपा वैली के अंदर था। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं इस लीपा वैली के अंदर क्या हुआ था मेरे जमाने में। एक दफे ये लीपा वैली है, दिस इज ऑल लीपा वैली, दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये भारत के इलाका है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हालांकि भारत वो इलाका भी भारत का ही है मगर दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लीपा वैली वो इलाका है जो जहां पर ज्यादातर लोग नहीं जानते कि 1971 की लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई थी। ये एक जगह है जहां पर लड़ाई खत्म नहीं हुई थी और हर जगह सीज फायर हो गया था, यहां पर लड़ाई 1972 में चलती रही, ज्यादातर लोग नहीं जानते। इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने इस इलाके पर कब्जा किया 1972 मार्च में, 3 महीने के बाद। ये अनरिटन चीजें हैं फौज की जो आदमी आमतौर पर डिस्कस नहीं करते। मगर ये कहानी और 2008 की है कि 2008 में यहां पर ये एक जगह है गबदोरी, ये एक नाला है गोइंग अप टू ईगल पास, यहां से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन इस रास्ते होता है, इसको रोका जाता है, कोशिश की जाती है, मगर तब भी हर साल लगातार यहां पर चलता रहता है। बड़े पाकिस्तान के पोस्ट हैं इस इलाके में, उनके इलाके के अंदर एक यहां पोस्ट है जहां से हर वक्त कुछ ना कुछ घुसपैठी होती रहती है। एक दिन मैं यहां पर अगस्त के महीने में आई वॉज ऑन अ टूर टू माई ओन एरियाज, मैं पैदल चल के यहां से नीचे से अपने इलाके में ऊपर आया यहां पर, और अपने जवानों से पूछा, अपने सीओ से पूछा कि आप इस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास उस जगह तक कितनी दफे गए हैं। उन्होंने कहा हम नहीं जाते हैं वहां। मैं क्यों नहीं, कहते हैं वहां पर थोड़ा अनबन रहती है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल क्लियर नहीं है कि कहां एग्जैक्टली है, और अगर हम ज्यादा नजदीक पहुंच जाए तो फिर फायर का अंदेशा होता है, एक दूसरे के ऊपर फायर हो सकता है शायद। तो मैंने कहा कि अगर आप उस इलाके में जाएंगे नहीं तो इसका मतलब विली नीली आपने वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया, तो उनको भी हिट हुआ वो। मैं कहा आप ऐसा करिए, एक पेट्रोल लगी है जहां पर मैं एस्टिमेट है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल यहां है, उससे 50 गज पीछे 100 गज पीछे आप वहां तक पेट्रोल करिए और वहां पर दिन भर के लिए पेट्रोल को लगाइए, रात को बेशक वापस ले लीजिए। इससे क्या है कि डोमिनेशन हो जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा ये इलाका भारत का है। उनका ठीक है, मैं वापस आ गया। 4 दिन के बाद देखा कि लगातार इस यूनिट ने 22 राजपूत, बड़ी जबरदस्त यूनिट, यहां वाराणसी के इलाके के ट्रूप्स हैं उस यूनिट के अंदर, बहुत
22 राजपूत, इन्होंने अपने पेट्रोल भेजा वहां पर। एक छोटी गलती की कि चार आदमी का पेट्रोल भेजा और उन्होंने दिन भर के लिए वहां पर उनको कायम किया। उसके नीचे एक लांस नाइक के नीचे पेट्रोल को भेजा। चार दिन के बाद 28 अगस्त को मैं बैठा हुआ था, लंच खा रहा था बारामूला में अपने हेडक्वार्टर में, जबकि एकदम से खबर आई कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जबरदस्त फायर हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, आपको बहुत दफे चंबा होगा, कभी कभी खबर जनरलों को बाद में मिलती है और पत्रकारों को पहले। ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी ऑलरेडी, न्यूज पे एनडीटीवी दिखा रहा था ऑलरेडी, लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन फायर। में कहां हो रहा? अरे मेरे ही इलाके में हो रहा है, मुझे नहीं मालूम वहां क्या था। इसी इलाके में एक ये है चूला पोस्ट, ये आत्मावान जहां मैं गया था, और वहां से मैंने इनको भेजा था कि भाई इस इलाके को जाकर पेट्रोल करो। पेट्रोल यहां पर था इस जगह पर। एकदम से यहां से 15 आदमी का पाकिस्तानी पेट्रोल ट्रैक सूट पहनकर AK-47 टांगकर व्हाइट झंडा लेकर और आ गया, और उनको उन्होंने दूर से मेगाफोन पे कहा कि आप लोग हमारे इलाके में आ गए। जो मैंने कहा था बिल्कुल वही चीज, आप हमारे इलाके में आ गए, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर दिया है, अब आप हमारे साथ मुजफ्फराबाद चलिए। मतलब भारत की फौज चार आदमी जो है कोई लड़ेगा नहीं, कब्जा कर देंगे हम, उनको ले जाएंगे बांधकर मुजफ्फराबाद। पेट्रोल ने कहा आप रुक जाइए वहीं रुक जाइए, नहीं तो हम फायर करेंगे। रुक जाइए, हमारे ऑफिसर आएंगे अभी, वो बात करेंगे। ऑफिसर कहीं और थे, वो पेट्रोल कर रहे थे, किसी और जगह को विजिट कर रहे थे, वो नहीं आ पाए, तो ये पेट्रोल आ गए, आते गया आता गया। 35 मीटर पे जो चार आदमी की टुकड़ी थी उन्होंने उनको रोका, अगर इसके आगे आप बढ़े तो हम फायर कर देंगे। वो रुक गए। तू मैं होता रहा 15-20 मिनट, आधे घंटे तक तू मैं होता रहा। गाली वाली बहुत होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, बहुत होती रही एकदम से। और वो एक ऑफिसर था पाकिस्तान का, लेफ्टिनेंट अजीज एक ऑफिसर था, उसके साथ ये लोग थे। उसने किसने फायर किया किसी को नहीं मालूम, एकदम से पाकिस्तानी पेट्रोल ने फायर किया हमारे पेट्रोल के ऊपर। एक आदमी के हमारे लगी आंख के नीचे, देहांत हुआ उसका, नीचे गिरा वो पहाड़ी के इलाका, वहां नीचे गिर गया और फायर खुल गया। जैसे ही जबरदस्त फायर खुला, एक्सचेंज हुआ, हमारे लोग तो मूर्छे में थे, इन्होंने फायर किया LMG के साथ और सीधा 7 पाकिस्तानियों को गिरा दिया। कहानी यहां खत्म नहीं, ये लीडरशिप नहीं है कुछ अभी तक इसमें। अब आती है सवाल, आया मेरे पास हुआ क्या है वहां पर, दिल्ली से कॉल आया, अरे हो क्या रहा है भाई लाइन ऑफ कंट्रोल पे? मुझे नहीं मालूम। कोर हेडक्वार्टर से कॉल आ रहा है, क्या हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे? मुझे नहीं मालूम, मैं भी बात कर रहा हूं। बात की, देखा कि ब्रिगेड कमांडर साहब जो थे वो रास्ते में ही थे, वो कुछ चुनाचे वो ऊपर जा रहे थे कि रास्ते में, 2 घंटे का रास्ता है, उस 2 घंटे में उनका कोई रोल ही नहीं था इसके अंदर, ब्रिगेड कमांडर का। अब डायरेक्टली CO और GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेरे हम दोनों के बीच में चल रहा था। मैंने CO को कहा आप चढ़िए ऊपर, देखिए जाकर क्या हो रहा है। CO ने कहा मैं तो पहुंच ही रहा हूं वहां पर। कमांडिंग ऑफिसर, ऐसा फिजिकली फिट कमांडिंग ऑफिसर, जहां कहते हैं ना फिजिकल फिटनेस के बिना कोई चीज जिंदगी में नहीं हो सकती, जो रास्ता 2.5 घंटे लगते हैं चढ़ने के लिए आत्मावन तक, वो नीचे से चढ़ा 1.5 घंटे में। मेरा पहला हुक्म था, हमारा जो जवान जिसकी बॉडी गिरी है उसका शव पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए, किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। अब पीछे से हुक्म आ रहे थे, दिल्ली से हुक्म, क्या हो रहा है, हमको तो जवाब देना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप को जवाब देना पड़ेगा, आप बताओ हो क्या रहा है। अगर आपको क्या मेरे पर एतबार है कि नहीं, जो DGMO मेरे ही पुराने बॉस थे, मैं उनसे कहा कि आपको मेरे पर एतबार है कि नहीं, डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स वी ट्रस्ट यू, देन गिव मी 12 आवर्स, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस। ये मेरी जवाबदारी है, आपकी नहीं, ये मेरे इलाके में हुआ है और किसी की जवाबदारी नहीं है, ये मेरी जवाबदारी है। कोर हेडक्वार्टर से कॉल आया, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, कैन यू टेल अस, एवरीवन इज आस्किंग दिस। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू ट्रस्ट मी, गिव मी 12 आवर्स।
पूरे भारत ने मुझे 12 घंटे दे दिए। अब पूरी जवाबदारी अपने कंधे पे, जिसके लिए ओहदा पहना हुआ है वो जवाबदारी कंधे पे। अब नाउ द डिसीजन। सीओ से मैंने बात की, रेडियो पे बात की सीक्रेसी के साथ, पूछा बॉडी ऊपर ले आओगे तुम? इज इट एब्सोल्युटली आई गेट इट। ऐसे जो 7 बॉडीज गिरी हैं पाकिस्तानियों की, एक बॉडी नहीं हिलनी चाहिए वहां से। आई विल डू इट। मैं कहा ठीक है, आप इतना करो, अब इसके आगे करना क्या चाहते हो? सब मैं पार जाना चाहता हूं। आई विल गो अक्रॉस एंड आई विल डिस्ट्रॉय दीज पीपल। इसका हुक्म मैं आपको नहीं दूंगा। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो अक्रॉस, क्योंकि अगर आप आगे अक्रॉस जाओगे अपने अपनी भी कैजुअलिटीज होंगी। आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। तो सब पर क्या करें? मैंने कहा आप सब कुछ करिए जो कुछ करना है, 12 घंटे हैं आपके पास, 12 घंटे के बाद आपके ऊपर रोक लगा दूंगा मैं। 12 घंटे के अंदर सब कुछ करना है बिना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किए हुए। रात को मैं सोया नहीं, रात मैं सोच रहा था कि मैं सो जाऊंगा, सोया नहीं। सुबह 6:30 बजे एक फैक्स का मैसेज थ्रू लैपटॉप के थ्रू उन्होंने किया था इसको, फिर फैक्स हुआ। उसके बाद तस्वीर आई चूल्हा पोस्ट की तस्वीर आई। चूल्हा पोस्ट दिख ही नहीं रहा था, देयर वाज नो चूल्हा पोस्ट। रात को उन्होंने जो फायर शॉट उसके ऊपर किया तबाही मचाकर, द होल चूल्हा पोस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। रात भर जो इंटरसेप्ट आ रहे थे कम्युनिकेशंस के, पाकिस्तानी लीडरशिप कह रही थी किसने कहा अजीज को आगे जाने के लिए? पागल था क्या? किसने कहा आगे जाने के लिए? मगर यहां खत्म नहीं हुआ। When you have achieved the moral ascendancy, when you have achieved something on the line of control, आपको ये गाड़ के दिखाना पड़ेगा, नेल जो है उसको आखिरी तक उसको अंदर करना पड़ेगा। I went to the spot, visited again. बहुत लंबा, you have to take a very long walk to reach here. आसपास का जो इनका कंट्रोलिंग पोस्ट था चूल्हा का, उसके पास गया और मैंने अपने पोस्ट से कहा कि मैं ऊपर बंकर के चढ़ रहा हूं। कहा कि नहीं सर, ये तो 30 मीटर पे तो है, ये लोग कोई फायर कर देगा। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई फायर नहीं करेगा मेरे ऊपर। चढ़े ऊपर, मैंने कहा कौन है यहां पर भाई? पाकिस्तान का एक ऑफिसर निकला, उसने सलूट किया। मैं कहा अच्छी बात है कि आप पहचान गए कि मैं इंडियन आर्मी का जनरल हूं। और मैं कहा नोटबुक निकालो अपना और पेन निकालो। उसने अपनी नोटबुक का पेन निकाल लिया, वो भी अचंभे में था, उसने निकाल लिया। मैं कहा नोट करो। एक तरह से मैंने नाम शुरू करे पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स के और ब्रिगेडियर्स के, 6 नाम दिए। मैं कहा ये नाम नोट कर लो, सबको मेरा सलाम भेजो। He was wondering, what is this? मैंने ये सब मेरे जानने वाले हैं, किसी ने कोर्स किया है मेरे साथ लंदन में, किसी ने हवाई में, कोई यूनाइटेड नेशंस में था, सबको सलाम भेजो। और आप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां कोई शैतानी तो नहीं कर रहे हैं। तो कहता है नहीं नहीं सर, आप अपने लोगों से पूछ लीजिए, हम कुछ नहीं करते यहां। मुद्दा ये था, एम ये था कि उनके दिमाग में बिठाना कि छेड़खानी मत करो यहां, क्योंकि तुम मारे ही जाओगे। उसके बाद से लीपा में आराम से बैठा मैं। लीपा में कुछ नहीं हुआ, ना इन्फिल्ट्रेशन हुआ लीपा। मैं आपको सिर्फ इसका एक लेसन के तौर पर समझाना चाहता हूं। अ मिस्टेक वॉज मेड, ए सिचुएशन हैड टू बी रिट्रीव्ड, डिफिकल्टी हैड टू बी ग्रास्प्ड एंड द रिस्क हैड टू बी टेकन। ये आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस बहुत दफे आएंगी। मैंने तो आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की एक वाक्य सुना दिया। डिसीशन वॉज बोल्ड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नॉट पास्ड इन अदर्स। ये नहीं कि सर मैं क्या करूं, मैं भी कह सकता था पीछे, अरे सर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगी हुई है, आप बताइए क्या कर रहे हैं। जवाबदारी मेरी है, अगर मैंने ओहदा पहना है इस जवाबदारी के लिए तो आपसे नहीं पूछूंगा मैं कि मैंने क्या करना है। टोटल ट्रस्ट इन द कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एम के रावत, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर। मगर उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई उस सिचुएशन में, द फिजिकल फिटनेस विद विच ही वेंट फियरलेसली, he went up on top
took control of the situation and brought his men under control. Emotional situation hujati when you have lost your colleagues, people have got injured, there are bodies lying around you, it's not easy to take control. Sense of self-esteem, 22 Rajput ke andar uske baad, aisi spirit aayi, aisi sambuti aayi, completely, they were a different unit after that. Commitment to task was total. Jab aapko task mila hai, aur aapne take over kiya hai, ek task, ek jawabdari li hai, make sure that you deliver completely. Chota sa aur work kya, kyunki ye line of control ki baatein kar rahe hum. Main unmein se hoon, jo aam taur pe raat ko sota nahi. प्रॉब्लम है क्या करें कि बॉडी केमिस्ट्री ऐसी है चार घंटे सोने को मिल जाए बहुत काफी है. कोर कमांडर के तौर पे मैं 2.5 साल तक रोज मैंने तकरीबन 18 से 20 घंटे काम किया. आपको मैं दिखाऊंगा अपना शेड्यूल क्या होता था मेरा वहां. मगर ये एक वाक्य अलग है. रॉ 2008 में रॉ के पास एक नया इक्विपमेंट आया था जिससे वो इंटरसेप्ट कर पाते थे कि सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है टेररिस्ट और उनकी लीडरशिप के बीच में जो है उसको इंटरसेप्ट कर सकते थे. वो इंटरसेप्ट करके थुराया सैटेलाइट फोन होता है वो इस्तेमाल करते थे टेररिस्ट, उसको इंटरसेप्ट रॉ करती थी, उसका जो कोऑर्डिनेट निकलता था वो पास करते थे नीचे. मगर उस कोऑर्डिनेट को टाइम लगता था थोड़ा प्लॉट करने में और देखने में कि कहां है ये. एक दिन मैंने रॉ वालों को बताया श्रीनगर में कि आपको कभी शक हो रात को कि कहां पर है आपका ये जो इंटरसेप्ट है कहां घुस बैठी हुई है तो आप किसी और को मत बताओ मुझे फोन कर दो क्योंकि मैं तो जागा हुआ हूं. इन्होंने लिटरली ले लिया. एक दिन रात को 2 बजे रात को कॉल आ गया. क्या हो गया भाई? कहते हैं कि सर ये इंटरसेप्ट आया है, ये कोऑर्डिनेट ये है, हमें अभी तक कोऑर्डिनेट डिप्लॉय नहीं किया, आप लोग ज्यादा तेज करते हो तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है. बहुत बढ़िया लिया. मैंने ड्यूटी ऑफिसर को फोन किया, ये है भाई मैप पे लगाओ देखो. 3 मिनट के अंदर जवाब आ गया वापस. और क्या जवाब था कि वो घुस बैठी जो है इस जगह पर है. और कहां है? मेरे ही इलाके के अंदर. ठीक है, मेरे ही इलाके के अंदर उड़ी के ऊपर. ये है उड़ी, ये है उड़ी, और ये है इलाका बाज का जो रहे वहां पर. ये है यहां पर घुस बैठी हुई है. अब क्या? अब straight away I spoke to the commander and I said get after this immediately. और ये period वो period है 26/11 2008 में 26/11 से पहले का period, 10 दिन पहले. It's just at that time. This is a pre 26/11 infiltration which was designed to cater for a major strike in Sopor. लगे हम लोग इसको ढूंढने में, मगर as usual it's not easy to find a 5 या 6 आदमी 8 आदमी घुस जाए और हजारों किलोमीटर जंगल है वहां पर. इट्स नॉट इजी टू फाइंड. लगे रहे हमारे जवान ऑफिसर लगे रहे. कुन फाइंड दे कुन इंटरसेप्ट देम, वी कुड नॉट कांटेक्ट देम. सो आई मायसेल्फ खुद पहुंचे वहां पर. अब आप देखिए इसके अंदर एक मेजर लेसन ऑफ लीडरशिप है इस तस्वीर के अंदर. हम सब ऑफिसर हैं, हम सब वहां पर लगे हुए थे डायरेक्शन करने में, हुक्म देने में, साथ उनके होने में. मगर आप देखेंगे ये सब फौजी हैं, किसी के पास हथियार नहीं है, किसी के पास हथियार नहीं है, सब लकड़ियां पकड़े हुए हैं. क्यों? ये एक मेजर लेसन इन लाइफ होता है आर्मी के अंदर. बड़ी रोमांटिक चीज होती है AK-47 हाथ में रखकर फायर करने से. मगर वो लीडर नहीं होता जो AK-47 फायर करता है, वो लीडर होता है जो AK-47 फायर करवाता है. ये याद. और देखिए कोई किसी का हथियार नहीं है क्योंकि लड़ाई के अंदर जब भी कोई ऐसा मौका आता है किसी सिचुएशन में ऑपरेशंस में ऑफिसर को सबसे बड़ी चीज होती है कि चांस मिल गया मुझे AK-47 फायर करने का, मैं मारूंगा टेररिस्ट. अरे तुम नहीं हो मारने के लिए टेररिस्ट मारने के लिए तुम्हारे इतने लोग हैं, तुम डायरेक्शन दो क्योंकि फायर के नीचे सब लोग जमीन पर है. किसको जमीन से उठाना है वो तुम्हारा काम है. अगर जमीन से नहीं उठाओगे तो तुम्हारा ऑपरेशन ठप हो जाएगा, कोई नहीं उठेगा. वो होता है मौका उस लीडर के लिए, उसके लिए तुम ऑफिसर बने हो, उसके लिए तुम नमक खा रहे हो देश का कि जब सबके सर नीचे हैं तो तुम्हारा सर ऊपर होना चाहिए उसका.
ये देखिए स्ट्रेटेजाइजिंग कंटिन्यूइंग द चेस, वो 7-8 दिन लगातार चलते रहे हम लोग पहुंच के उनके साथ, जवानों के साथ, अफसरों के साथ, और जवाब आता रहा कि सर नहीं है यहां पर, ये गलत खबर हमको दी है, गलत खबर दी है हमको रॉ ने। मगर धीरे 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 इंटरसेप्ट और आने लगे, देखा कि ये यहां पहुंच गए, 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 मतलब अंदर तकरीबन 18 किलोमीटर पहुंच गए और हम उनको ढूंढ नहीं पाए। मगर लगे रहे, परसिस्टेंस इन लीडरशिप, परसिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वंस यू आर कन्विंस्ड कि कुछ हुआ है, आपको करना है। आखिरी क्या हुआ, 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री का एक पेट्रोल शाम के वक्त 7 बजे कैप्टन ऑस्कर फर्नांडस, उसका पेट्रोल कमांडर एडजुटेंट यूनिट का, वो खुद पेट्रोल लेकर गया हुआ है, 15 या 20 आदमी थे साथ में, सीओ कहीं और थे, और वो आमने सामने आ गए कैप्टन ऑस्कर फर्नांडस, उनके हवलदार साहब, और साथ में एक और शख्स जो एक साथ आ गए। वो समझे कि ये तो 7 मराठा वाले समझे कि ये लोग हमारे जवान हैं, और वो समझे कि ये टेररिस्ट हैं। दोनों आ गए हाथ मिलाने के लिए ऐसे, और जब दोनों ने पहचाना और देखा अंधेरे में 7:30 बजे शाम को, तो ऑस्कर फर्नांडिस और वो टेररिस्ट जो था उनके बीच में ऐसी मुठभेड़ हुई कि अगर दुनिया का कोई इंटरनेशनल ओलंपिक रेसलिंग मैच भी देखें आप, तो शायद ना मिले। दोनों हथियार नहीं इस्तेमाल कर पाए, दोनों हथियार नहीं इस्तेमाल कर पाए। उस टेररिस्ट ने ऑस्कर फर्नांडिस का अंगूठा जो है वो मुंह में पकड़ लिया और चबा डाला, उसको चबा गया पूरा, और वो हवलदार जो था फायर नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कहा अगर मैं फायर करूंगा तो अपने अफसर को मारूंगा। मगर जब ये 2-3-4 मिनट तक चलती रही ये मुठभेड़, फाइनली वो हवलदार जो था उसने आया, चांस लिया और क्लोज उससे फायर किया। सब कुछ सही रहा, ऑस्कर फर्नांडिस जीता रहा, टेररिस्ट मर गया। कीर्ति चक्रा मिला ऑस्कर फर्नांडिस को, और उससे ऑपरेशन शुरू हुआ, सातों टेररिस्ट मारे गए। और उसमें से भी वही लेसन निकले कि आपको हर डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत लोग कहेंगे सर गिव अप, सर इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज हमारे इलाके में हुई नहीं है। आधे वक्त कश्मीर में यह प्रॉब्लम होता है कि सब डिनाई करते हैं कि हमारे इलाके में तो हुआ ही नहीं है। द मोमेंट यू एडमिट कि हमारे इलाके में हुआ है एंड आई विल गेट देम, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ओके, सक्सेस केम बिकॉज ऑफ दिस। यू सी, ये देखिए 6-7 bodies लाइंग हियर, दीज आर द टेररिस्ट बॉडीज लाइंग हियर, 7 मराठा इन ऑपरेशंस एट दैट टाइम। बेसिकली इट वॉज अ टाइमली रिलीफ ऑफ ट्रूप्स एंड रेस्ट। लगातार 3 दिन तक ट्रूप्स लगे हुए थे, उनको हटाना था, नए ट्रूप्स को लाना था, और आमतौर पे आर्मी में ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है, ट्रूप्स को निकालना और ट्रूप्स को, नए ट्रूप्स को लाना। कमांडर सब के सब कमांडर जो थे सामने थे, एंड टोटल ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट। इंडियन आर्मी की एक ये बात है, हमारा ऑफिसर काडर जो है ऐसा है, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी, OTA, IMA, इनके अंदर एक ऐसी चीज पैदा होती है ऑफिसर्स के अंदर, दे ऑलवेज वॉन्ट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब द लीडरशिप इज कॉल्ड फॉलो मी लीडरशिप। ये होता है हाथ यहां से क्या, फॉलो मी, मैं जाऊंगा वहां, आप मेरे पीछे आओ। ये नहीं कोई कहता आप पहुंचो मैं आ रहा हूं साथ, ये नहीं होता, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एट ऑल। आई वोंट गो इनटू दिस, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, फॉर leaders at different levels, there is no job which is too small. Do anything, learn every skill, you will be respected by your men, you will be respected by your team when you are adept at everything. Officer should know everything, officer aisa hona chahiye jo puri belkar puri bhi bana sakta hai, jo sabzi bhi bana sakta hai, jo generator ko bhi repair kar sakta hai, jo intelligence bhi la sakta hai, jo AK-47 chala kar aur एक गोली के साथ भी गिरा सकता है। ऐसा होना चाहिए ऑफिसर हर दफे। ईच टाइम यू
each time you go on to a task, you learn something different. You have to master. This is called the master concept. Kisi bhi kaam mein aap zindagi mein ho, master. Master the equipment. Jo aap paas equipment hai, master it. Master the terrain. Jo zameen hai aapke aas paas ki, special military operation mein, aas paas ki zameen hai, agar aap baithe ho, aapne kaha, wo pahadi mere saamne, are, main us pahadi pe nahi gaya hoon. No, I must go there. Us pahadi pe jaakar, us taraf se dekhna apne aap ko. That is called mastering the terrain. And aajkal ki ladai mein, the most important is this. Mastering the environment, the culture and the people. Kashmir mein jao, aur agar aapko Islam ke baare mein nahi malum, Kashmiriyat ke baare mein nahi malum, Dogri culture ke baare mein nahi malum, Gujaron ke baare mein nahi malum, pahadiyon ke baare mein nahi malum, kaise alag alag ilaqon mein kaise kaise log rehte hain, agar nahi malum ye sab, then you are not equal to your task. Isliye aap jo bhi kaam karte hain zindagi mein, dehne dekhiye, baaye dekhiye, what is the knowledge that I can gain? And then think about it. How am I for time? A little bit. Hum credo se jeete hain, slogan se jeete hain. Ye main dekhta hoon ki aam taur pe corporate life mein, government mein, bureaucracy mein, this is something which is usually missing. Look at this wonderful credo. Ye aapko maloom hai kis regiment ki topi hai? Parachute regiment. Special forces. Parachute regiment. Men apart. Every man an emperor. Wo alag. Insaan jo bilkul alag. Har insaan jo hai, wo badshah hai. Hum sipahiyon ke liye ye hai. Hamara har jawan jo hai, wo badshah hai. If you make your people feel that they are the emperors, they will deliver like emperors. This is jo mera favorite word hai. Epitomizes the sheer romance of soldiers. Soldiering is a romance. Hey, yes, only profession is here. This is a romance. Okay. This is an amazing thing to keep as a pack of your mind somewhere. When you are in a difficult situation, your mind is paralyzed. Your joints, feet, hands are all paralyzed. That is the time when minds have to be ticking. And feet have to be moving. Ab aap dekhiye, wo situation jo thi, Atma One pe, us situation ke andar, what was the commanding officer doing? I could have been paralyzed. Ke main kya karun? You are paid to think in those situations. Ye nahi ki aaram se baithe hue aap phone pe push karke decision de rahe aap. Is situation ke liye aap hain. And that is why this is one of the finest credos for the army anywhere. When you are in a difficult situation, in a challenging environment, mind sticking and feet moving. Obvious. From all the blood and gore that I have been talking about, let me come back to your environment and my environment here. Brown bag. What is brown bag lunch? Kaun batayega mujhe brown bag lunch kya hota hai? Main aapko choti kahani sunata hoon. America mein, Hawaii, doing a course in Hawaii. Kashmir se gaya tha. Very high in morale. The Indian Army ne mujhe select kiya America jane ke liye, course karne ke liye. Dekha sabse pehle din, char Pakistani saath mein. Pakistaniyon ne dekha, Indian Army ka Musalman colonel aaya hai yahan par. Ye kaise ho sakta hai? Har jagah jahan par wo koshish karte the, Bharat ko down karne ke liye, main kehta tha, are pagal ho, main Indian Army ka hoon, I'm a Muslim. Kuch Pakistani chup ho jate the. बड़ा सा इवेंट आया उसके अंदर डिस्कस हो रहा था ऑन ट्रांसनेशनल टेरर मैंने अमेरिकनों को कहा व्हाट यू नीड टू डू इज टू बी केयरफुल अबाउट दिस एरिया ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान दिस इज द एरिया व्हिच विल कम बैक टू ट्रबल यू वन डे ये एक साल पहले 9/11 से पहले बताया था दिस इज द एरिया व्हिच विल कम बैक टू ट्रबल यू वन डे पाकिस्तानी खड़े हो गए व्हाट इज दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दिस होल थिंग तो चैम जो प्रेसिडेंट थे कमांडेंट थे इंस्टीट्यूट के जनरल हैंक स्टैकपोल फ्रॉम द मरीन कोर ऑफ द यूएस आर्मी बड़े बड़े जबरदस्त आदमी उन्होंने मुझको एक न्योता दिया एक दिन उसी एक नेक्स्ट डे कम टेल द इंडियन कर्नल टू कम एंड हैव अ ब्राउन बैग लंच विद मी मैं पहुंच गया ब्राउन बैग लंच के लिए बाहर अपने हाथ में छोटा सा फाइल था बस्ता था सब था मेरे पास
तो जो उनके स्टाफ ऑफिसर थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओह सो यू आर रेडी फॉर द लंच सर? एब्सोल्युटली सर। ही अंदर बिठाए, भेजा कमांडेंट के ऑफिस के अंदर। मैं गया वहां पर, कमांडेंट साहब बैठे हैं एक एक सेब और एक सैंडविच लेकर। मैं वंडर के व्हाट आई गोइंग टू ईट हियर। तो बैठे की बातें होने लगी तो कह रहे टेक आउट योर लंच। टेक आउट योर लंच? यू इनवाइटेड मी फॉर लंच, सो हाउ एम आई टू टेक आउट माय लंच? John Stackpole had a big laugh. He said, oh, 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 they didn't tell you it's a brown bag lunch. He said, what is a brown bag lunch? He says, it's American for, you bring your lunch, I bring my lunch, we will both have lunch. मगर ये उस दिन इतना जबरदस्त, आधा सैंडविच खाया मैंने, आधा एप्पल खाया, मगर ऐसी जबरदस्त डिस्कशन हुई, ये आइडिया दिमाग में हर वक्त के लिए बैठ गया, ब्राउन बैग लंच। When I was in a position of authority in the Indian Army, मैंने देखा कि 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ हर जगह ब्रेक होता है, दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में, आर्मी वॉर कॉलेज में, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं उनमें से हूं जो 5 मिनट में खाना खाता हूं और मैं लगा रहता हूं अपने काम में। तो मैंने इस ये टाइम कांट बी यूज मोर यूजफुली, तो मैंने शुरुआत की ब्राउन बैग लंच। मैंने कहा कि रोज 1 बजे से 1:30 बजे तक एक ऑफिसर मेरे एस्टेब्लिशमेंट का आएगा और मेरे साथ ब्राउन बैग लंच खाएगा। मैं नहीं खिलाऊंगा लंच, वो लाएगा अपना, मैं लाऊंगा अपना। मगर उस आधे घंटे में वो ऐसा शख्स होगा जिसके साथ मैं शायद कभी ना मिलूं। ही इज वर्किंग अंडर मी। आप लोगों को देखेगा, आप लोग जिंदगी में आप लोग बहुत ऊंचे ऊंचे औहदों पर जाएंगे। व्हेन यू रीच देयर यू विल रियलाइज अंडर यू देयर आर 300 पीपल, 400, 500 पीपल। Everyone is smiling at you. You are also smiling at everyone. But आप मिलते नहीं हो सबसे। और उनके दिमागों में आइडिया हजारों हैं। मैं कह सकता हूं कि यहां स्कूल के बच्चे जितने हैं, इनमें there are thousands of ideas better than mine. इनको ग्रास कैसे करे कोई? That is what you have to look for. Brown bag lunch gave me the chance every day of meeting a lieutenant colonel or a major. I was a lieutenant general. मैं कहा मैं तो अपने उसमें हूं, ओहदे में हूं। मगर एक लेफ्टिनेंट मेजर मेरे साथ लंच खाता था। उसकी वाइफ जो थी, नॉर्मली उनकी जो मैडम थी, वो जबरदस्त लंच पकाती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि बॉस के साथ लंच खाना है। और मेरी वाइफ मुझे 2 सैंडविचेस देती थी, तो मुझे भी अच्छा खाना मिलता था। और हमारा जो डिस्कशन होता था उसमें मैं कहता था कि मैं 5 पॉइंट आपके लूंगा, नोट करूंगा, 5 से ज्यादा नहीं लूंगा। 5 के बाद जो खत्म हो गया तो वी विल टॉक अबाउट बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक, मूवीज, इधर उधर स्पोर्ट्स, इससे अच्छा है लाइट लाइट हार्टेड वो होगा। एज अ रिजल्ट इन 5 डेज ऑफ वर्किंग एट द एंड ऑफ द वीक आई हैड 25 पॉइंट्स व्हिच आई हैड नॉट थॉट ऑफ, नो वन हैड गिवन मी बिफोर। उन्हीं को अगर प्रून डाउन करके आप 10 पॉइंट ले लें तो मंडे मॉर्निंग की कॉन्फ्रेंस में आई कुड टेल देम इन 10 पॉइंट्स का ये प्रायोरिटी है, इसको एग्जीक्यूट करो। दिस इज द लेसन फ्रॉम ब्राउन बैग लंच। यू कैन हैव एन अमेजिंग ideas, एक चीज याद रखिए, वो लीडर जो समझता है कि वो सब कुछ जानता है, that he is the most competent person. Remember, all leaders are not the most competent people. Or most leaders are the most ordinary people. They only know how to make use of the most competent people. That is. Last bit. I don't want to take too much more time on this. क्या है ये? Let's come back to another portion of the civilized world. ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की एक आई थिंक ओटीए की है ये तस्वीर। इसमें देखिए, इट्स नॉट आईएमए, दिस ओटीए। एक डिनर नाइट हो रही है, लेडीज के साथ बैठे हैं, ऑफिसर हैं, कैडेट्स हैं, टेबल लगी है, ग्लासेस लगे हैं, कांटा चम्मच लगा है। लोग आर्मी में बहुत दफे कहते हैं कि सर इसकी जरूरत क्या है। आई एम श्योर करण ब्याला, लॉट ऑफ पीपल विल बी क्वेश्चनिंग कि क्यों भाई ये क्यों करते हैं हम ये सब चीजें। जब खाना खत्म हो जाता है तो पाइपर अंदर आता है, पाइपर की म्यूजिक बजती है, हर ऑफिसर से पूछा जाता है कौन सी ट्यून प्ले कर रहा है, अगर ट्यून नहीं मालूम तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है? तो क्या जरूरत है इसकी? वेरी सिंपल आइडिया, लेट मी सिंपल थिंग ऑन दिस। अगर आप उस चीज को सही तरीके से करेंगे जो माइनर है, अगर आप वाइन का ग्लास जो है वो सही वाइन के ग्लास में पिएंगे, बियर को सही बियर के ग्लास में, मैं नहीं इंकरेज कर रहा हूं किसी को पीने के लिए, सॉरी आई एम ओनली गिविंग यू एन एग्जांपल,
अच्छा बेटर एग्जांपल रात के कप कॉफी का जो कप है, खाना खाने के बाद जो डिनर के अंदर कॉफी पी जाती है तो आमतौर पर छोटा कप होता है इतना बड़ा, मगर हम लोग कभी कभी मग में भर के पीते हैं। ठीक, मेरा कहने का ये मतलब है कि जिंदगी में याद रखिए कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर, ये बनकर और एक बड़ी चीज बनती है, एक रिफाइनमेंट देती है एक लीडर को। एंड इन द आर्मी वी इंकरेज आवर ऑफिसर्स पर्टिकुलरली टू लुक फॉर द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ व्हिच विल हेल्प देम अप्रिशिएट द बिगर थिंग्स इन लाइफ। आई हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, बट इफ यू वॉन्ट आई कैन कंटिन्यू फॉर वन मोर एनेक्डोट। इफ आई डू आई हैव द टाइम, आई शो वन लास्ट वन, नो मोर नॉट फ्रॉम द बैटलफील्ड, फ्रॉम अ मैनेजमेंट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एंगल। ये कहानी है, दिस इज अ स्टोरी फॉर द कॉमन एवरीवन। आई वाज पोस्टेड फ्रॉम बारामूला टू आर्मी वॉर कॉलेज टू टेक चार्ज ऑफ द जूनियर कमांड विंग, जहां पर तकरीबन 400 ऑफिसर एक साथ 3 महीने के लिए ट्रेन होते हैं। कैप्टन, मेजर, आजकल लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं कुछ। यू सी द ओवर सी द होल कोर्स, यू आर एवरीथिंग ऑन दैट, यू लुक आफ्टर द होल कोर्स। 45 फुल कर्नल आपके साथ होते हैं, 5 ब्रिगेडियर आपके साथ होते हैं। मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि ये एक विंग है इंडियन आर्मी का जिसका मोराल मोटिवेशन इज एट द लोएस्ट लेवल। हर कर्नल वहां समझता है कि मैं प्रमोट नहीं होऊंगा, और लर्निंग बहुत ज्यादा है मगर लोगों को मालूम नहीं कि इस लर्निंग को कैसे किया जाए। एग्जैक्टली, सो आई वॉज गिवन दिस टास्क, कैन यू ब्रिंग दिस विंग, जूनियर कमांड विंग, इंटू अ रियल हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। मेरा पहला सवाल जो मैं पहले दिन पहुंचा और पहला सवाल अपने स्टाफ से था, विच इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, मेरा सर पहला सवाल था, आप इस कोर्स पे कितने प्राइज देते हैं, कितने पुरस्कार देते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स। मैं बड़े खुश था कि कहेंगे 10, 20, 15, 16 होंगे, कहते हैं एक। एक? एंड व्हाट इज दैट प्राइज? कहते बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट क्या देते हैं उनको? एक ट्रॉफी ले आए मेरे पास, वो आधी बेंट ट्रॉफी थी और उसके ऊपर टिकड़ी लगी हुई कि ये बेस्ट स्टूडेंट है। मैंने आप ये समझ, दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकी। मैंने ये बताइए, जो ऑफिसर इसको जीतता है, इस ट्रॉफी को, वो वापस जाके घर अपनी फैमिली को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को कैसे बताता है कि मैं बेस्ट स्टूडेंट था? किसी ने नहीं सोचा था ये, क्योंकि वो प्राइज ही नहीं होता था उसके पास, वो तो वापस दे देता था ट्रॉफी को। अच्छा, अब मैंने कहा कि हैव यू एवर थॉट ऑफ मोर प्राइजेस? कहते नो, दिस इज गुड इनफ, बेस्ट स्टूडेंट। मैंने उसी वक्त एक हुक्म दिया, आज से इस विंग में 25 प्राइज होंगे। 25? मैं कहा अगर दोबारा सवाल पूछा तो 40 कर दूंगा, अगर उसके बाद पूछा तो मैं 70 कर दूंगा, क्योंकि 400 लोग इस कोर्स को अटेंड करते हैं। I am capable of giving prizes to 400 people. You understand the underlying message in this? Every man who is sitting in this audience deserves a prize. Jo Swamiji ne subah kaha tha, every one of you deserves a prize, because hidden inside you is a quality which deserves a prize. It's a leader who has to bring that out. A leader is not there to drive you with your weakness, it is to drive you with your strength. That is what is important. उस दिन के बाद 25 प्राइज हो गए। उसी वक्त मैंने डिक्टेट किया प्राइज क्या होगा, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट लेडी ऑफिसर, बेस्ट फ्रॉम सर्विसेज, बेस्ट फॉरेन ऑफिसर, स्पेशल मेरिट अवार्ड, बेस्ट इन सैंड मॉडल्स, बेस्ट इन ब्लॉगिंग। और कुछ चाहिए? आई कैन कीप टेलिंग यू, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो पॉजिटिव है। आई ओनली लुक एट पॉजिटिव थिंग्स ऑफ लाइफ, आई ओनली थिंक ऑफ हाउ टू गिव अ शाबाश। अगला सवाल उनसे पूछा, एंड ऑफ द कोर्स आपकी सेरेमनी क्या होती है? कहते हैं वो कमांडर साहब आते हैं, सब लोग बैठते हैं वहां, प्राइज गिविंग होती है, एक प्राइज देते हैं, उसके बाद कमांडर साहब उनको बुलशिट करते हैं। इंडियन आर्मी में एक टर्म है कि बुलशिट करना, बुलशिट मतलब डांटते हैं कि आपने कोर्स पे ये किया मगर ठीक नहीं किया, और भी अच्छा कर सकते थे। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे साथ अभी एंड ऑफ कोर्स सेरेमनी इस तरह से होगी, एंड ऑफ द कोर्स लास्ट सेरेमनी विच वी कंडक्टेड। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। First thing was the commander coming, that was me, commander coming here speaking from the lecture stand. 15 minute maine baat ki, 15 positive point, not one negative point. Aapne achha kiya hai, bahut badhiya kiya hai,
You all are capable of becoming generals of the Indian Army. अरे तीन महीने घुटने रगड़े हैं यहाँ पर, आप उसको negative thought के साथ क्यों भेज रहे हैं वापस? Second thing, उसके बाद जितने 40-45 कर्नल थे सबको बुलाया स्टेज के ऊपर, पूरा कोर्स खड़ा हुआ, सब ने उनके लिए ताली बजाई. क्यों? भारत का संस्कार, this is a tradition of India, गुरु शिक्षक रिलेशनशिप. ये आप बीएचयू में करिए. सेकंड थर्ड थिंग, प्राइज गिविंग हुई, 25 प्राइज दिए गए, बहुत जबरदस्त तालियां बजी. उसके बाद लास्ट थिंग, उस पूरे विंग के अंदर जैसे बीएचयू के अंदर होगा, हजारों ऐसे लोग हैं हु आर इनविजिबल, हु आर सपोर्टिंग यू इन एवरी एंडेवर ऑफ लाइफ. कौन थे मेरे साथ? सफाई वाले, धोबी, बर्तन बाजने वाले, कुक, ड्राइवर, मैकेनिक, सैंड मॉडल मेकर्स, क्लर्क्स. अरे दुनिया में आई हैव 450 पीपल वर्किंग अंडर मी फॉर दीज 400 पीपल. कभी इनको नहीं पहचानोगे क्या? तो हर डिपार्टमेंट के दो आदमी बाहर खड़े हुए, लाइन लगाई, 30 आदमी. मैंने कहा 30 आदमी आएंगे, सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है वो स्टेज पर रहेगा. ऑल 30 विल गो पास्ट दिस ऑफिसर, ही विल थैंक दोज पीपल फॉर देयर सर्विसेज डन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. आज तो मनुष्य हो, यू आर ह्यूमन, यू ऑल्सो नीड रिकग्निशन. आपको मालूम है उस पहली सेरेमनी के बाद क्या हुआ? सब जितने 300 लोग थे सबको बुलाया बाहर चाय पीने के लिए, समोसा केक खाने के लिए अफसरों के साथ. 30 उस 300 में से कम 10 आदमी आए मेरे पास और पैर पकड़ के रोने लगे. क्या हो गया? कि साहब 35 साल हो गए इस कॉलेज में हमको, 35 साल से हम हैं, आज तक किसी ने मुड़कर हमारे पीठ के ऊपर थपथपी नहीं मारी. I thought I must tell you this last story. My time is over, much over before. Why must I tell you this story? I wanted to balance it this with the stories I told you of the line of control. Army officers are very human in their approach. Don't over always feel कि हम सिर्फ ठाएं ठाएं करके leadership करते हैं. ठीक है? हमारी leadership जो है comes out from within. And each of these lessons is a lesson for life. शुक्रिया बहुत बहुत. जय हिंद. आई एम सॉरी आई एम नॉट गोइंग अहेड. हां तो बहुत चीजें और थी. थैंक यू. आई बिलीव ग्रैटिट्यूड वुड रियली बी एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दैट व्हिच हैज लेफ्ट इट इन जनरल.